नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान भाई राशि सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स नवंबर मंथ 2022 के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी 2022 से हमने शुरुआत की और हर महीने की उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स में लेकर आता हूं आपके पास बेहतरीन क्वेश्चंस को सेपरेट करके, डिवाइड करके, अलग करके आपके लिए लाया जाता है। जो उसी सीरीज के अंदर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं, इस साल की 11वीं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ये वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से, क्या कुछ खास है इस क्लास के क्वेश्चंस के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में मान्यता दी जाएगी या विकसित किया जाएगा, ताकि अगर आप उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बेहतरीन चीजें नजर आए और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने के लिए। तो याद रखेंगे भाई, ब्रांड एम्बेसडर जिलों के बारे में यहां बात हो रही है। तो ब्रांड एम्बेसडर जिले जो होंगे, बेसिक तौर पर डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे कितने उत्तर प्रदेश में, तो ब्रांड एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 34 होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में नमो वन, ये वन है VAN1, पेड़ वाला जो वन होता है, नमो वन का उद्घाटन किया है। तो आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा जो नमो वन का उद्घाटन किया गया है, ये कानपुर में किया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किस शहर के फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों पर बने शैल चित्रों को संरक्षित धरोहर घोषित किया जाएगा, यानी जो यहां पर रॉक जो है, यानी जो बेसिकली रॉक पेंटिंग जिसे कहा जाता है, शैल चित्र कहा जाता है, इसके लिए याद रखेंगे। तो ये कहां पर होगा, हम जानते हैं सभी की, ये आगरा में होगा, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है, यानी कि अब हर एक पुलिसकर्मी अपनी पॉकेट पर, अपनी जेब पर एक प्रतीक चिन्ह लगाएगा, और यह प्रतीक चिन्ह जो है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के DGP डॉक्टर SDS चौहान जी के द्वारा। भारत का पहला डेटा सेंटर, उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का, योटा D1 के नाम से जो पहला डेटा सेंटर है, यह किस राज्य में या फिर किस शहर में विकसित किया गया है, तो याद रखें इसे विकसित किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर, नोएडा या ग्रेटर नोएडा आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। भारत में जो 53rd टाइगर रिजर्व बना है रिसेंटली, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, या 54th कहेंगे क्योंकि कई जगहों पर यह कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसको लाया गया, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का है, ये 54 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, कुछ जगहों पर ये 53rd कहकर करा गया, इससे पहले और भी आ चुके हैं, याद रखेंगे। किस राज्य के प्रत्येक जिले में नागरिक सुरक्षा की एक इकाई होगी, यानी कि नागरिक सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, सिविल डिफेंस की बात की जा रही है हर जिले के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल डिफेंस यूनिट होगी। अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अमरगढ़ महोत्सव, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमरगढ़ महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में होता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अमरगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर्नशिप योजना के तहत हर महीने कितना पैसा मिलेगा, जो पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप करते हैं उस तरह के स्टूडेंट्स को, हर महीने सरकार, राज्य की सरकार जो उत्तर प्रदेश की, ये 2500 रुपए हर महीने देने वाली है, 2500 रुपए पर मंथ प्रोवाइड करेगी। तो बात क्लियर हो गई यहां तक, क्लियर है बिल्कुल एग्जैक्टली, एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल जो है, इंडिया हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया, यह तो कंफर्म है उत्तर प्रदेश में किया गया, लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 2022 जो है, इसका आयोजन कहां किया गया है, तो यह भी आपके पास राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश में कितने डेटा सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा है सरकार ने, एक तो ग्रेटर नोएडा में सबसे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा खोला ही है, उसके अलावा कितने और डेटा सेंटर जो है वो भारत में
खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में रखा गया है 2022 से आगे कुछ सालों में अंदर ये होंगे 7 डेटा सेंटर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बरगद के कवक की नई प्रजाति खोज की है बरगद की, और ये जो किया गया है काम ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के जो रिसर्चर्स हैं BHU के उनके द्वारा किया गया। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कौशल्या कौशाला साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो कौशाला साहित्य महोत्सव जो है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश की किस जिले के जंगल में अमनगढ़ में नई जिम कॉर्बेट सफारी योजना बनाई जा रही है, तो इसको न्यू जिम कॉर्बेट पार्क कहा जाएगा। अमनगढ़ पार्क जो कि जिम कॉर्बेट का एक हिस्सा है और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में लगता है, उत्तर प्रदेश के पूरे जो नॉर्थ है बिजनौर जिले में लगता है जिम कॉर्बेट पार्क होगा। हाल ही में किस राज्य के भूरी पहाड़ी में जो पुराने दौर के शैल चित्र मिले हैं, जो ऐतिहासिक दौर के शैल चित्र मिले हैं यानी रॉक पेंटिंग मिली है, वो उत्तर प्रदेश में होगी। हाल ही में किस शहर ने उत्तर प्रदेश के जीरो कार्बन एमिशन बनने का लक्ष्य रखा है 2041 तक उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो कार्बन एमिशन वाला हो जाएगा, इसका टारगेट रखा गया है मथुरा शहर के द्वारा। कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 में जो होंगे वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे। गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन यानी गति शक्ति वाटरवेज समिट जो किया गया है, यहां पर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है जिनके पास गजेंद्र सिंह शेखावत, शिपिंग वाला मंत्रालय सर्वदानंद सोनोवाल जी के पास है, तो जो वाटरवेज वाला कॉन्फ्रेंस है ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा सम्मेलन केंद्र बनाने वाले हैं, तो ये कहां पर होगा एक बड़ा सम्मेलन केंद्र, अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी हो तो एक सम्मेलन केंद्र होगा गोरखपुर के अंदर, लखनऊ में है पहले से ऑलरेडी लेकिन गोरखपुर में भी होगा। उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि वो 2035 तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन की खपत करने लगेगा, यानी कार्बन को खत्म करने में हाइड्रोजन बड़ी हेल्प करेगा और इसीलिए 100% हाइड्रोजन अमोनिया की खपत करेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन इसके लिए वक्त है 2035 तक। उत्तर प्रदेश जिले की किस जिले की ग्रेजुएशन की छात्रा कल्याण कारिणी पांडे जो हैं, कल्याण पांडे जी हैं, इन्होंने संसद भवन में नेहरू जी के ऊपर स्पीच देनी थी इन्हें, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से आती हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी पर भाषण दिया है, ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की, शाहजहांपुर जिले की। किस राज्य के टाइगर रिजर्व अमनगढ़ को जनता के लिए खोल दिया गया और इसका नाम मैंने बताया जिम कॉर्बेट, न्यू जिम कॉर्बेट रखा गया है, तो हम जानते हैं यह उत्तर प्रदेश का, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, न्यू जिम कॉर्बेट जो होगा वो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण महाभारत और बुद्धि सर्कल बनाने के लिए नई पर्यटन नीति लाई है, ताकि ये जो एक तरह से एक धर्म को मानने वाले लोग हैं बेसिकली, जैसे बुद्धिस्ट सर्कट होगा जहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे तीर्थ स्थल धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, ऐसी नई धार्मिक पर्यटन नीति जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई नीति के तहत कितने आईटी शहर विकसित किए जाएंगे, लखनऊ कानपुर वाराणसी और अलाहाबाद, भारत में 4 उत्तर प्रदेश में 4 जो होंगे वो आईटी सिटी विकसित की जाएंगी स्पेसिफिकली। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हाईटेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहा गया है कि हम हाईटेक कोर्ट्स भी बनाएंगे अलग से, ताकि जल्दी जल्दी जो सुनवाई है जो निपटारे हैं उनको किया जा सके, तो हाईटेक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया उत्तर प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मध्य और पश्चिमी भाग में चिकित्सा उपकरणों के लिए हब विकसित करने की बात की है,
चिकित्सा उपकरण जो है उनके लिए और दवाइयों के लिए हब विकसित किया जाए मध्य और पश्चिमी भाग में, खासतौर पर यह सवाल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को भारत अफ्रीका एक मीटिंग है, यूनेस्को के लीडर भारत के और अफ्रीका के हैं और इसका जो आयोजन किया गया है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूनेस्को इंडिया और अफ्रीका हैथ कौन कहेंगे। गवरजीत आम जो है इनको जीआई टैग के लिए कहा गया है, ये गोरखपुर जिले का आम है, याद रखना गवरजीत आम कहेंगे इसे, जिसे जीआई टैग के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर महीने की किस तारीख को एक निक्षय दिवस मनाया जाएगा, हर महीने की किस तारीख को निक्षय दिवस होगा, तो यह हर महीने की 15 तारीख को होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट सिटी फंड से गौतम बुद्ध पार्क में हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हैप्पीनेस पार्क होगा कहां पर, लखनऊ के अंदर हैप्पीनेस पार्क। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्टेज क्रिएट करने में, अब जानते हैं कि यहां पर महाराष्ट्र नंबर एक पर है और उत्तर प्रदेश का नंबर आठवां आता है, प्लास्टिक में उत्तर प्रदेश आठवें नंबर पर आता है। इंडिया फूड एक्सपो 2022 जो है इसका आयोजन किस शहर में किया गया है, इंडिया फूड एक्सपो 2022 है जो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन किस शहर में स्थापित की गई है, तो पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है इसको यहां पर लखनऊ में जो इसका पीजीएमआईएस है वहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद के लिए भारत में शीर्ष बनने के लिए तैयारी है, यानी वो शीर्ष उत्पादक बनना चाहता है उत्तर प्रदेश किस चीज का, एथेनॉल का, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एथेनॉल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो इसमें नंबर वन बनना चाहता है। बैडमिंटन एकेडमी ने 34वीं सब जूनियर अंडर 13 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ शहर में आयोजित किया है, याद रखना। और आखिरी पॉइंट क्या है, किस संस्थान के छात्रों ने पहली चालक रहित कार बना दी है, पहली चालक रहित बिना ड्राइवर की कार बना दी है और यह करा है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNNIT अलाहाबाद के अंदर है, यह वहां पर किया गया। तो यह है आज की क्लास के यानी कि 35 क्वेश्चंस, और इसी तरह से आप अगर हर महीने के बेहतरीन क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो ओवरऑल आपको आसानी होगी आपके आने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।